शांति। मेरे प्यारे बाबा, आज प्यार के सागर बन अपने सर्व बच्चों को अपने सागर की लहरों में समा रहे हैं। कभी लहरें प्यार स्वरूप बनकर समाती है तो कभी सुख स्वरूप बनकर समा रही है। मैं आत्मा बाबा की ये लहरों में समाती जा रही हूँ। बहुत आनंद मिल रहा है इन लहरों में, परमात्म पवित्र लहरों में। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। मैं आत्मा अपने देह के बांध से न्यारी होकर सर्व की प्यारी बनती जा रही हूँ। बाबा से सर्व शक्ति सर्व गुणों को धारण कर मैं आत्मा सर्वशक्तिमान बन रही हूँ। सर्वशक्तियों से भरपूर होकर जब हम आ रही थी तब बाबा ने एक दृश्य दिखाया। एक सागर था जिसमें बहुत तेज लहरें दिखाई दे रही थी। बाबा ने कहा, अब इस सागर के बीच में जाओ बच्चे, मैं घबराने लगी थी इतनी तेज लहरों में कैसे जाऊंगी। फिर बाबा की आज्ञा प्रमाण हमने सागर में पांव डाला। जहां पांव रखा वहां की लहरें शांत होती गई। फिर देखा कि बाप दादा दोनों ने उसमें छोटी छोटी नावे उस सागर के बीच में डाली, लेकिन सागर की लहर आने से वो गायब हो गई। फिर वह सीन खत्म हो गई। बाप दादा ने कहा कि यह खेल बाप ने प्रैक्टिकल में रचा है। जिन बच्चे की नैया बाप के साथ होती वह हिलेंगी नहीं। अभी तुम परीक्षा और रूपी सागर के बीच में चल रहे हो तो जितना कनेक्शन अर्थात जिनका हाथ बाप दादा के हाथ में होगा उनकी यह जीवन रूपी नैया न हिलेगी न डूबेगी। तुम बच्चे इनको ड्रामा का खेल समझकर चलेंगे तो कभी भी डगमग नहीं होंगे। और जिनका बुद्धि रूपी हाथ ढीला मतलब बाप के साथ कनेक्शन नहीं पर माया के साथ कनेक्शन होगा वह
डोलते रहेंगे, हिलते रहेंगे। कब वो बाबा का हाथ छोड़कर माया की जाल में डूब जाएंगे उनको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बच्चों, बुद्धि रूपी हाथ मजबूत रखने का ध्यान रखना है। परमात्मा पिता ने हमें ऊंचे से ऊंचे सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण बनाया है। उनका श्रीमत रूपी हाथ कभी नहीं छोड़ना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया, आपका दिल से शुक्रिया।